क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता काफी पुराना रहा है। कई बॉलीवुड की हसीनाएं हैं जो क्रिकेटर को अपना दिल दे बैठी है। विराट कोहली अनुष्का शर्मा से लेकर युवराज सिंह हेजल तक ऐसी कई जोड़ी है जिनका उदाहरण हम दे सकते हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड की अदाकारा उर्वशी रौतेला और क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर भी कई खबरें सामने आती रही है, लेकिन अब तक दोनों की तरफ से इस रिश्ते पर कुछ भी बात सामने नहीं आई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह जोड़ी फिर से चर्चाओं में बनी हुई है, जो धीरे धीरे विवाद का रूप भी लेता जा रहा है। दरअसल उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने किसी आरपी नाम के व्यक्ति का नाम लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में ही कहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर बात क्या है। एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी रौतेला ने आरपी नाम के किसी व्यक्ति का जिक्र किया और साथ ही अपने रिलेशनशिप के टूटने की बात का भी खुलासा किया। उसके बाद से लोगों ने आरपी नाम से ऋषभ पंत का नाम जोड़ना शुरू कर दिया। उर्वशी ने वैसे तो इस व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ समय से दोनों के अफेयर को लेकर चर्चाएं चल रही थी। उसके मुताबिक फैंस ने ऋषभ पंत का नाम ही लेना शुरू कर दिया। देखते देखते यह मामला तब तूल पकड़ लिया जब ऋषभ पंत ने इस पर रिएक्ट कर दिया। ऋषभ ने सोशल मीडिया पर लिखा, महज मजाक के लिए कुछ लोग इंटरव्यू में झूठ बोल देते हैं ताकि खबरों में बने रहे। यह देखकर दुख होता है कि लोग फेम पाने के लिए कितने भूखे हैं। मेरा पीछा छोड़ो बहन, झूठ बोलने की कोई सीमा होती है। ऋषभ के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को खूब सुर्खियां मिल रही है। हालांकि कुछ ही समय बाद ऋषभ ने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। ऋषभ पंत के इस पोस्ट के बाद उर्वशी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ऋषभ का जवाब देते हुए कहा, छोटू भैया को सिर्फ बैट बॉल खेलना चाहिए, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो बदनाम हो जाऊँ, वो भी किसी किड्डो डार्लिंग के लिए। किसी शांत लड़की का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला की सोशल मीडिया वॉर को लेकर सुर्खियां काफी तेज है।